हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और देखिए यहाँ पे ना सुबह का टाइम है और अभी मैंने झाड़ू वगैरह सब लगा लिया है। अभी बाहर का थोड़ा सा झाड़ू लगाना है बट अभी मैंने नहीं लगाया क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा बाहर लगाने में। और हितविक के पापा भी मतलब नए ड्यूटी थे और भैया भी थे तो मतलब जल्दी खाना बनाना पड़ेगा। तो मैं नाश्ते में ना आलू का पराठा और मूँगफली की चटनी बना दे रही हूँ फटाक से। इसके बाद से ना मैं मतलब बाहर का भी झाड़ू लगाऊंगी और हितविक भी अभी सो रहे हैं तो इनको उठाऊंगी और मालिश वगैरह करूंगी। तो देखिए यहाँ पे मैं आटा गूँ रही हूँ और इसके बाद मैं पूरी वीडियो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो प्लीज़ वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ना अब मेरा लगभग मतलब आटा गुना ही गया है और थोड़ा सा ना आटा गूनने में थोड़ा सा टाइम लगता ही है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया था। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो में स्पीड बढ़ाया है तो यहाँ पे जल्दी से मैं आटा मार ले रही हूँ। और इसके बाद से अभी मैंने ना आलू भी मतलब इंडक्शन पे रख दिया है बॉयल होने के लिए। मतलब इंडक्शन पे 2 सीटी लगाना पड़ता है और ऐसे गैस पे रखा तो 1 ही सीटी में हो जाता है, तो मैंने इंडक्शन पे ही रखा है तो अब हो गया है। तो देखिए यहाँ पे मेरा आटा फाइनली हो गया है और कुकर में खोल ले रही हूँ और ऐसे जाली में मतलब आलू को निकाल ले रही हूँ और मैं सिमरन को दे रही हूँ ताकि सिमरन तब तक छीलेगी ना, तब तक मैं मूँगफली भी मैंने भून के रखा हुआ है, मैं मूँगफली का मतलब उसका छिलका मैं निकाल लूँगी और उसको मैं चटनी बनाने की तैयारी कर लूँगी। इस वजह से मैंने ना सिमरन को दे दिया था। देखिए यहाँ पर मैंने आलू ले लिया है और मैं दे देती हूँ सिमरन को, वो छील देगी। ज़्यादा आलू है ना, छोटा छोटा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैंने सिमरन को दे दिया था। यहाँ पर मूँगफली मैंने लिया है और मैं इसका भी छिलका निकाल लेती हूँ और इसको भी मैंने मतलब पीस लेती हूँ और तड़का लगा लेती हूँ। तो देखिए वीडियो बने रहिए।
पे मैंने सिमरन को दे दिया था आलू छीलने के लिए। और अभी मैंने ना ये पराठे में डालने के लिए धनिया काट रही हूँ, धनिया काट के रख लेती हूँ ताकि मतलब जैसे आलू आएगा वैसे मैं फटाक से बना लूँगी। और यहाँ पे ना मैंने मूंगफली पीस लिया था, आप लोगों ने देखा था ना। और यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ, थोड़ा सा कढ़ी पत्ता और सरसों और सूखा मिर्च, लाल मतलब लाल मिर्च सूखा डालना है इसमें, तो मैंने डाल दिया है तड़के के लिए। और अब मैं जो मैंने पेस्ट बना कर रखा था मूंगफली का ना, वो भी मैं डाल दे रही हूँ। और मेरी चटनी अब रेडी हो गई है। और इसके बाद मैं अभी आलू जो मतलब छील के रखा है ना उसको भी मसल लेती हूँ। और आटा भी मैंने गून के रख ही लिया है, जल्दी से हो जाएगा। और यहाँ पे मेरी चटनी बनके रेडी हो चुकी है। और मैं अभी चोखे की तैयारी कर ले रही हूँ, उसको भी मैं भून ले रही हूँ। यहाँ पे मैं ना प्याज कट कर रही थी, तो मेरा मतलब मुझे ना प्याज बहुत आँख में लगता है, तो वही बहुत ज़्यादा लग रहा था, बहुत ज़्यादा आंसू निकल रहे थे। और यहाँ पे मेरा चोखा मतलब अब हो ही गया है, भुना ही गया है। और इसके बाद ना मैं कुछ काम करने चली गई थी। देखिए यहाँ पे मैंने ना चोखा निकाल दिया था ठंडा होने के लिए। और इसके बाद मैं पराठा बनाऊंगी। और मैंने कोई रेसिपी नहीं शेयर की है, सॉरी, मैं मतलब पराठे बनाते टाइम मतलब वीडियो नहीं कर पाई इसके लिए। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं बहुत ज़्यादा, इन लोग मस्ती किए थे। और अभी ना हम लोगों का नाश्ता वगैरह सब हो गया था। और टाइम अभी हो रहा है 11 बज गया है और बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। अभी हितविक सो के उठे हैं, अभी नहाए भी नहीं, तो इनको मैं नहला दूंगी। यहाँ पे देखिए दोनों भाई बहन खेल रहे हैं कैसे।
और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और मैं अकेले इनको लोग मतलब छोड़ के नहीं जा रही थी कि ये लोग गिर जाएंगे, इस वजह से यहाँ पे साड़ी भी रखा था। तो मैंने कहा चलो साड़ी को फोल्ड कर दे रही हूँ और मैं बच्चों को भी देख लूँगी। और अभी ऋतिक नहाए नहीं तो इनको नहलाना भी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ना साड़ी फोल्ड कर दिया है और पेटीकोट मतलब करना था इसको भी मैं कर ले रही हूँ। और बच्चे इतने ज़्यादा मतलब बदमाशी कर रहे थे, डर लग रहा था कहीं बेड से नीचे गिर जाएंगे तो इन लोगों को चोट लग जाएगी, इस वजह से मैं यहीं पे थी। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।